हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद केबी। तो आप सब कैसे हो? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए आज और अभी से आज का ये छोटा सा ब्लॉग स्टार्ट करते। वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं है, मात्र 5 मिनट का है, तो प्लीज़ आप लोग पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, बिना स्किप करके वीडियो देखिए। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ब्लॉग्स विद केबी का बहुत 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 साथ दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। तो डेली सुबह का काम लेके मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नई उम्मीद के साथ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे पता है कि आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। बिना आप लोगों के साथ का इतना दूर आना पॉसिबल नहीं हो पाता। 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक बहुत कुछ मिल गया। ऐसा लगता है कि 2000 सब्सक्राइबर्स मैंने पूरा कर लिया। ये बिना मेहनत का नहीं होता है और बिना सपोर्ट का भी नहीं होता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो प्लीज़ ऐसे ही आप लोग मेरा साथ देते रहिएगा ताकि हम सब लोग मिलके कम से कम 100K तो पूरा कर ही सकें, है ना। तो ताकि एक प्ले बटन आ जाए। तो सफ़र मतलब बहुत दूर है अभी, लेकिन सफ़र जारी रखना है। मंजिल बहुत दूर है लेकिन मुझे पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किचन विचन का सारा काम हो गया है और दादी वो देखिए खेत में ना थोड़ा घास हुआ है भिंडी वाले क्यारी में, तो उसी के दादी साफ़ करिए। दादी तो 2 दिन बाद चली जाएंगी और तो बोल रही है कि मेरे रहते रहते मैं थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर तुम्हारे अकेले के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, तो तुम मतलब दिक्कत होगा। इस टाइम ना मेरे कमर में भी पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने मुझे रेस्ट लेने के लिए बोला, बेड रेस्ट लेने के लिए बोला है। लेकिन क्या पॉसिबल हो पाता है? आप ही लोग बोलिए, अकेले घर में पॉसिबल नहीं हो पाता है जहाँ 2 जेंट्स है और मैं हूँ। वो तो दादी अभी है करके थोड़ा सा कर देती है, हेल्प हो जाता है, नहीं तो फिर जयेश, जयेश के पापा और मैं, फिर करेगा कौन? मैं नहीं करूँगी तो। और जयेश के पापा को गार्डनिंग वगैरह उतना नहीं पसंद है, कर देते हैं कभी कभार, लेकिन ये गार्डनिंग ऐसा चीज़ है ना, ये रेगुलर बच्चे की तरह होता है, कभी कभार से काम नहीं चलता है, रेगुलर इसका करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो वही दादी उधर खेत का काम कर रही है और मैं ना इधर आंगन आंगन धुल ले रही हूँ कि 2-3 दिन से धुला नहीं है तो पूरा। और ना ये गार्डन का काम हो रहा है ना इस टाइम, तो मिट्टी पूरा बह के मतलब पैरों में करके इधर आ रहा है। तो सुबह ताज़ा पानी आता है, जयेश गया है स्कूल तो उसको स्कूल छोड़ के आके फिर इधर धो रही हूँ। तो इधर धोने से ना उधर पूरा सामने नाली तक धोना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से पानी जाके ना वो नाली के सामने जाली है वहाँ पे ना जमा हो जाता है, फिर वहाँ तक धोना पड़ता है। कम से कम 10-15 मिनट लग जाता है ये आंगन धोने के चक्कर में। और बगल में जो मतलब भाभी है उनके बच्चे सब रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए, तो घर के सामने बस आती है तो बस लेके जाती है बच्चों को स्कूल। और जयेश जो है हमारे टाउनशिप के अंदर ही KV है, तो उसी KV में जाता है जयेश, अभी क्लास 2 में है। तो जयेश को KV में इसलिए एडमिशन करवाए ना कि हम लोग मान लीजिए 1-2 साल में ट्रांसफ़र ले लेंगे, तो फिर जहाँ जाएंगे वहाँ पे ना उसको KV में पढ़ाने की इच्छा है हम लोगों की, बाकी देखते हैं। KV का पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है, एडमिशन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे KV एडमिशन हो गया उसका, पढ़ाई भी अच्छा है यहाँ पर, पढ़ाते भी अच्छा है। तो वो सब करके घर का काम वाम करके नहाना धोना हो गया है और अभी जो है मैं पूजा करूँगी। तो इन दिनों तो बीच में तो पूजा नहीं कर पा रहे थे, तो अभी जो है पूजा कर रहे थे ना, थोड़ा सा मन को शांति मिल रहा है क्योंकि सावन का महीना है और बिना पूजा किए अच्छा नहीं लगता है ना, नहा धोने के बाद अगर पूजा ना करो तो अभी फ्रेश होने के बाद पूजा करने में अच्छा लगता है, मन को भी शांति मिलता है। और इस टाइम बहुत ज़्यादा फिर से हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब पूरा नाइटी वाइटी में चिपक जाता है, बाल झाड़ो इसलिए ना बाहर ही झाड़ते हैं बाल, घर के अंदर थोड़ा सा भी अगर एक बार भी कंघी चलाओ तो उसमें तो इतना भड़बड़ करके बाल निकलता है, इससे लगता है कि कुछ दिन बाद तो गंजे हो जाएंगे। तो आज दोपहर में बनेगा दम आलू। ये मेरे गार्डन में जो आलू मैंने लगाया था उसी आलू का, बड़े वाला आलू तो हम लोगों ने सब्जी में खा लिया था और छोटा वाला को रख दिया था ना आलू दम खाने के लिए, दम आलू खाने के लिए तो खा लिया था, और ये वाला ना लास्ट बचा था। तो दादी बोली कि इसमें ना पेड़ जम रहा है, तो पेड़ निकल रहा है तो लाओ मैं बना देती हूँ। तो वही दादी बना दे रही है, छील दे रही है, तो मटर के साथ बनाएंगे, सूखा मटर के साथ।
और यहाँ पे जयेश के लिए लाए थे नारियल, नारियल पानी उसने पी लिया है और इसके अंदर का ना मलाई नहीं खाता है, तो मलाई मैं और जयेश के पापा दादी हम लोग मिलके खा रहे थे। और फिर शाम को डांस क्लास गए थे, तो वहाँ से फिर घर जाने के टाइम में मैं आई थी कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स से हम लोगों के लिए पैक करवा रहे थे ये आलू टिक्की, और जयेश के लिए बर्गर लेकर आए थे कि जयेश को बर्गर बहुत पसंद है और बोल रहा था कई दिनों से कि मुझे बर्गर खाना है बर्गर खाना है। तो और रात में बन रहा है पूरी, और दोपहर में जो मटर आलू की सब्ज़ी बनाए थे वही वाला रखा हुआ है। तो दादी बोल रही है कि लाओ मैं थोड़ा सा हेल्प करा देती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था, वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ब्लॉग्स विद केपी का साथ दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।